नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल पर। ग्रामीण भारत चैनल मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर विशेष कवरेज कर रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा का मुकाबला है कांग्रेस के पन्नों पर अपनी तस्वीर सवार कर पाला बदलने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि चुनाव में विकास, गरीबी, रोजगार, बिजली, सड़क जैसे मुद्दों से पहले पार्टी से बगावत का मुद्दा जनता के लिए पहले नंबर पर है। तभी तो जनता के दरबार में जा रहे भाजपा के प्रत्याशी अब जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रद्युम्न तोमर कांग्रेस पाठशाला के पढ़े हुए विद्यार्थी थे। ये लोकतंत्र का इन्होंने जिस प्रकार से हत्या की है, आम जनता उसका इनको इस चुनाव में भारी भरकम वोटों से हरा कर उसका परिणाम इनको दिखा देगी। तो हमने पहले अपना मत दिया था, हमने ये चाहता कि कांग्रेस की सरकार आएगी, परिवर्तन होगा, अच्छा काम होगा। अभी ये जाकर के दोबारा से भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। उनने अपना जनता का जो मत था वो बेच के दूसरी पार्टी में चला गया, इसलिए जनता चाहती है कांग्रेस के पक्ष में वोट। सब जनता का वोट बेच दिया और कोई काम नहीं हो रहा है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं और कोई गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा, ना नौकरी का, ना धंधे का, सब कोरोना में सब परेशान है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि हम लोगों ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को बड़े ही भरोसे के साथ जिताया था, पर देखिए क्या हो गया, पाला ही बदल लिया इन्होंने। तो हमने पहले अपना मत दिया था, हमने ये चाहता कि कांग्रेस की सरकार आएगी, परिवर्तन होगा, अच्छा काम होगा। अभी ये जाकर के दोबारा से भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। देखो बिना पैसे के तो कोई जाएगा ही नहीं, फ्री में तो कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। आज मैं भी हूँ, मेरे को कोई लालच देगा और मुझे अच्छा लगा तो मैं जाऊँगा ना। जब उनको पैसा मिला है तभी तो गया ना, मंत्री तो इसमें भी थे, मंत्री उसमें भी बने। अब ये लोग कहते हैं हमने त्याग किया है, काय का त्याग किया है? त्याग किया तो फिर मंत्री नहीं बनते, चुनाव नहीं लड़ते विधायक का, तो त्याग होता तुम्हारा कैसा? हमने तो त्याग कर दिया सर, अब भी दोबारा मंत्री बन रहे हो, फिर विधायक बन रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, तो काय का त्याग हुआ जी? हम तो नहीं जानते कि ये त्याग हुआ है इनका, ये तो छलावा है जनता के साथ में, धोखा किया है, स्वार्थ अपना स्वार्थ देखा है इन्होंने, जनता का इतने देखा। अगर इनको जाना था तो अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करते, जाके बेंगलोर में क्यों जाके नहीं, वो फुटबॉल खेल रहे हो जाके नहीं, सौदेबाजी कर रहे हो वहाँ पे, और जनता को कोरोना काल में यहाँ पे जनता को क्या किया आपने? कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, और आप तो एक मोटी गठरी लेकर के बैठ गए आप तो। फिर दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, फिर पता लगे दूसरी पार्टी में घुस जाएंगे, इनका क्या भरोसा है? जीवन उम्रा है कि जब उन्होंने बोलते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे आप और फिर आपने वहाँ से यहाँ आ गए, तो आप क्या सेवा, आप अपने स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी थी तो वहाँ से दे करके ढाई पाँच साल बैठते, अगले चुनाव आप खड़े होते, हमने अपना पद त्याग करके और जनता की सेवा के लिए उतरे हम। अब ये फिर खड़े हो रहे हैं कि हम फिर मंत्री बन जाएं, ये अपने स्वार्थ के लिए जनता तृतीय बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए मंत्री फिर बन जाएं, हम फिर कमाएं, जनता घूमती रहेगी, हम लोग परेशान होते रहेंगे। अभी डेढ़ साल नहीं तो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे और कुछ राजनीति कर रहे, अभी छोड़ दें पद को, अभी विधायक आगे चुनाव आगे लड़ा छोड़ दें, जनता की सेवा को होती है सिंधिया जी, अपने स्वार्थ के लिए राजस्थान में बनेंगे, हमका हमारा मान सम्मान नहीं, क्या सम्मान नहीं हुआ आपका? आप उसका सम्मान था, सब था, आप मंत्री थे, अब केवल ये नहीं सम्मान हुआ कि हमको प्रॉपर्टी कहाँ से माल मिले, क्या मिले, अभी किसी उम्र मंत्री बन जाए कहाँ नहीं सकता था। उन्होंने साहब जनता का वोट बेच दिया और कोई काम नहीं हो रहे, सड़कें खुद ही पड़ी हैं और कोई गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा, ना नौकरी का, ना धंधे का, सब कोरोना में सब परेशान रहे, किसी ने कुछ जाके पूछा नहीं है। भाभी जो मंत्री थे, यहाँ भी मंत्री थे, वहाँ क्या गड्ढे खोद रहे, यहाँ कौन सा गड्ढे खोद रहे, क्या है कि सबको जनता को चाहिए ये गरीब रोटी तो मिले, कोरोना में किसी को नहीं पूछा। इनने सरकार के राई कमलनाथ की, कमलनाथ बढ़िया काम कर रहे थे, 100 रुपये बिजली का बिल आता था, आज हमारा बिल 3000 रुपये आ रहा है, कोई बिजली के बिल माफ़ नहीं हो रहे, सिर्फ जनता को विरोध किया, चुटिया छलावा किया। लगभग 2 सालों से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा शहर के विकास करने की बात करें तो ऐसा कोई बड़ा बाधा या ऐसी कोई विकास की इमारत नहीं है जो उन्होंने क्षेत्र में खड़ी की हो। बस कभी सड़क को साफ करते नजर आते हैं या टॉयलेट साफ करते हैं, लेकिन मंत्री जी को यह कौन बताए कि क्षेत्र के विकास के लिए सफाई के साथ भविष्य के लिए विकास की इमारत भी बनानी पड़ती है। भाजपा में शामिल प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी कांग्रेस के साथ मिलकर जयभान सिंह पवैया से चुनाव के मैदान में
दो दो हाथ करते थे, लेकिन अब जहां एक और जयभान सिंह पवैया तोमर के भाजपा में आने से अपनी जमीन खो रहे हैं, तो वहीं ना चाहते हुए भी राजनीतिक सभाओं में ये दोनों दुर्विरोधी एक साथ नजर आ रहे हैं। यही राजनीतिक मजबूरी है शायद, लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा के अंदर गुटबाजी का दौर चरम पर है, जिसका खामियाजा शायद चुनाव में प्रद्युमन सिंह तोमर को उठाना पड़े। ये लोकतंत्र का इन्होंने जिस प्रकार से हत्या की है, आम जनता उसका इनको इस चुनाव में भारी भरकम वोटों से हरा कर उसका परिणाम इनको दिखा देगी। और इन्होंने कोरोना के समय में जब देश को इनकी ज़रूरत थी, जब ये बेंगलोर में क्रिकेट खेल रहे थे, लोकतंत्र को गिराने में लगे हुए थे, तो उसका परिणाम तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। आम जनता सारी सभी लोग परेशान हैं उनसे, उन्होंने किया क्या आप बताइए। विधायक वो रहे, मंत्री वो रहे, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नालों में कूदते हैं। क्या उनके प्रशासन उनकी सुनता नहीं है? मंत्री हैं, क्यों नहीं सुनता है उनकी? वो नाले में कूद के दिखावा करते हैं, तो नौटंकी है वो, तो उनको आगे भी नौटंकी ही करना है। इसलिए जनता उनको भरपूर पुरजोर जवाब देगी। प्रद्युम्न तोमर कांग्रेस पाठशाला के पढ़े हुए विद्यार्थी थे। जब तक उन्होंने कांग्रेस की रीति नीतियों पर चले, जब तक जनता ने, ग्वालियर की जनता ने उनको भरपूर सहयोग किया। अब जैसे ही उन्होंने अपनी नीति बदली, विरोध रूप में आए कांग्रेस के, हमारी पार्टी को उन्होंने छोड़ा और खुद पावर देते हुए, कांग्रेस ने पावर दिया और पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया। जैसे उनको पावर मिला कैबिनेट मंत्री बने, और कैबिनेट मंत्री रहने के बाद उन्होंने कैबिनेट स्तर की बात न करते हुए, कहीं नाली में कूद रहे हैं तो कहीं पाखानों में घुस रहे हैं, ये कैबिनेट की हस्ती की बात नहीं है। इसलिए वो अपने आप में गिर गए और आम जनता के वो विरोधी हो गए। आम जनता उनको नहीं चाह रही है। आम जनता का मत यह है कि अब प्रद्युम्न नहीं, अब सुनील शर्मा चाहिए, कांग्रेसी चाहिए, कांग्रेसी प्रत्याशी चाहिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए राय यह है कि उनने अपना जनता का जो मत था वो बेच के दूसरी पार्टी में चला गया, इसलिए जनता चाहती है कांग्रेस के पक्ष में वोट दे। जब वो मंत्री थे तब नाले में कूद जाते थे, सीवर साफ करते थे, प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं था उनका। मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं का कहना है कि ऊपरी गणित क्या है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना है, पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। शहर की गलियों में अभी भी बहुत कुछ विकास होना है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षा ग्वालियर अब पिछड़ता जा रहा। मतदाताओं के अनुसार सिंधिया परिवार की छत्र छाया में ग्वालियर का विकास तभी हुआ जब महाराजा के परिवार ने चाहा। लेकिन वहीं तोमर की बात करें तो महाराजा की जय करने में व्यस्त प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहर के विकास को हमेशा दूसरे नंबर पर रखा। साफ सफाई करते तो तोमर कई बार शहर में दिखे, लेकिन जब नए विकास की बात आई तो तोमर का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। यही कारण है कि क्षेत्र के मतदाता अब प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तारीखें पास में आने लगी हैं, वैसे वैसे चुनाव में सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। अगर हम ग्वालियर की इस सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। दो बार के जीते हुए कैंडिडेट प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले कांग्रेस में मंत्री थे और फिर सिंधिया के कहने पर वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जहाँ उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। लेकिन यहाँ बात एक और यह है कि प्रदेश की जनता के साथ साथ अब उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे ये सवाल कर रही है कि हमने बड़े भरोसे के साथ आपको यहाँ से जीत दिलाई थी, क्योंकि ये कांग्रेस बहुल सीट है तो तय बात है कि यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा हैं। अब वही जनता प्रद्युम्न सिंह तोमर से चुनाव प्रचार के दौरान सवाल कर रही है कि अगर आपको मंत्री ही बनाए रहना था तो फिर कांग्रेस आपने क्यों छोड़ी, क्यों पाला बदला? और इस सवाल का जवाब देने में प्रद्युम्न सिंह तोमर के पसीने छूट रहे हैं। खैर, आने वाली 3 तारीख को यह तय हो जाएगा कि ग्वालियर की सीट से कौन विजय होता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनेश श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।